साल मेहनत की, रात और दिन मेहनत किया है। सब जानते हैं जो भी यहाँ खड़े हैं कि मैंने अपनी तपस्या का पूरा मन वो किया है, और उस तपस्या का कारण आज है कि बाबा श्याम ने और बजरंगबली ने मुझे आशीर्वाद दिया। बहुत से लोग हैं जो गुड़गांव से टिकट मांग रहे थे बीजेपी की, क्या लगता है वो नाराज होंगे, उनको मनाएंगे? उन सबको मनाने के लिए जाऊंगा, एक एक घर में जाऊंगा। सबसे अपील करते कि सबसे सभी से, चाहे वो नवीन गोयल हो, जीएल शर्मा हो, गार्गी कक्कड़ हो, हर्ष कोहली हो, बोगरा सीकरी हो, जो भी मांग रहा था सबके, कपिल दुआ सबके जाऊंगा। बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लिस्ट जारी हो गई है। गुड़गांव विधानसभा से मुकेश शर्मा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, और मुकेश शर्मा को प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भारी संख्या में उनके समर्थक स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। एक बार तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हजारों की संख्या में यहाँ पर मुकेश शर्मा के समर्थक पहुंचे हैं, और यहाँ पर आतिशबाजी भी की जा रही है। एक बार आतिशबाजी की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये यहाँ पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आतिशबाजी की जा रही है। मुकेश शर्मा को जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ है, जैसे ही उनके समर्थकों को पता लगा, उनके जो जानकार हैं चाहने वाले उनको पता लगा कि मुकेश शर्मा दिल्ली से आने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर फूलों के गुलदस्ते लेकर, पटाखे लेकर उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे, और हजारों की संख्या में यहाँ, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं, हजारों की संख्या में उनके समर्थक हैं, और सभी मुकेश शर्मा से मिलना चाहते हैं, उनको मिलकर पर्सनली बधाई देना चाहते हैं। हमने मुकेश शर्मा से भी बात की है, और उनसे हम पहले बातचीत सुनवाते हैं, फिर उनके समर्थकों से भी बातचीत करेंगे, उनमें किस तरह का उत्साह है। पहले मुकेश शर्मा के पास चलते हैं। मुकेश शर्मा हमारे साथ है गुड़गांव विधानसभा से, उनको बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। खुशी देखिए आपकी, एम्बियंस मॉल पर गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे और जन समर्थन उनके साथ है। मुकेश जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं गुड़गांव विधानसभा से टिकट मिल सबका। मैं पहले आपके चैनल की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत मशहूर चैनल आप सब लोगों का, और मैं आप सबसे एक विनती करता हूं कि आज जिस नेतृत्व पे मुझे विश्वास रखा है, और मैं पार्टी का मान सम्मान के लिए हर पल एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देना बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, भैया आप एक बार आ लेने तो मीडिया को, मेरी सबका क्या, सभी का मेरा, मेरी आपसे विनती है कि आप सब लोग बिल्कुल परिवार की तरह, मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का बधाई देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय गृह मंत्री जी का, और लोगों ने आपने देखा होगा मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक अहम कार्यकर्ता हूँ हरियाणा प्रदेश के, माननीय को, हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मनोहर लाल जी को, मैं सभी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी को, और हमारे संगठन मंत्री परनिंदा शर्मा को, मैं सभी हरियाणा प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को कि एक आम साधारण के परिवार के बेटे से टिकट दी, ना मेरे बाप एमएलए ना मेरे दादा एमएलए, मैं सिर्फ एक आम साधारण कार्यकर्ता हूँ। अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, गुड़गांव की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो प्राथमिकताएं क्या होने वाली है? सबसे पहला मेरा 900 मीटर का टारगेट है, 900 मीटर का समस्या दूर करनी है, और गुड़गांव के अंदर पीजीआई लेके आना है। अच्छा, आपने 2014 में बादशाहपुर से टिकट मांगी थी, लेकिन 5 साल में आपने विधानसभा चेंज करके गुड़गांव में इतनी मेहनत करी कि पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया और आपको टिकट दे दिया, कितनी मेहनत? मैंने 10 साल मेहनत की, रात और दिन मेहनत की है। सब जानते हैं जो भी यहाँ खड़े हैं कि मैंने अपनी तपस्या का पूरा मन वो किया है, और उस तपस्या का कारण आज है कि बाबा श्याम ने और बजरंगबली ने मुझे आशीर्वाद दिया। बहुत से लोग हैं जो गुड़गांव से टिकट मांग रहे थे बीजेपी की, क्या लगता है वो नाराज होंगे, उनको मनाएंगे? उन सबको मनाने के लिए जाऊंगा, एक एक घर में जाऊंगा। सबसे अपील करते कि सबसे सभी से, चाहे वो नवीन गोयल हो, जीएल शर्मा हो, गार्गी कक्कड़ हो, हर्ष कोहली हो, बोगरा सीकरी हो, जो भी मांग रहा था सबके, कपिल दुआ सबके जाऊंगा। तो मुकेश शर्मा का ये कहना है कि जो भी टिकटार्थी थे, जो दावेदार थे, जो टिकट मांग रहे थे गुड़गांव विधानसभा से, और जिनको टिकट नहीं मिली है बीजेपी से, उन सबको मनाने के लिए वो नाराज ना हो, उनका सबका समर्थन लेने के लिए जीएल जो मुकेश शर्मा है वो अब उन सबके पास जाएंगे और अपील करेंगे उनसे कि वो मुकेश शर्मा का साथ दे और गुड़गांव विधानसभा से वो बीजेपी की टिकट पर मुकेश शर्मा को जिताने का काम करे। तो मुकेश शर्मा का साफ कहना है कि गुड़गांव विधानसभा से जितने भी बीजेपी के दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिली है, उन सबके पास भी मुकेश शर्मा जाएंगे और उन सबको मनाने की कोशिश करेंगे कि किसी को भी नाराजगी ना हो और वो मुकेश शर्मा का साथ दे। अब उनके समर्थक हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनके अंदर कितनी खुशी है और वो कितनी उम्मीद जता रहे थे। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल यादव है। राहुल, ये बताइए कि कितनी उम्मीद जता रहे थे और मुकेश शर्मा को टिकट मिलने के बाद अब क्या उम्मीद है आप? हमारे भाई मुकेश शर्मा ने 25 साल से संघर्ष किया है,
पूरे गुड़गांव के लिए, बादशाहपुर के लिए, गुड़गांव के लिए इतना संघर्ष किया है कि इतना सहन शक्ति कोई भी आदमी नहीं है। बिना पार्टी में होते हुए, बिना कोई पद के होते हुए उन्होंने बहुत काम किया है। आपका आपका नाम क्या है? हो रही है, लगातार पटाखे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और खुशी मनाई जा रही है मुकेश शर्मा को टिकट मिलने की। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आने वाले समय में जब वोटिंग का दिन आएगा तो उस दौरान किस तरह से जनता किस उम्मीदवार को गुड़गांव विधानसभा की सीट पर बैठाती है, गद्दी पर बैठाती है और अपना विधायक चुनती है। इस खबर के बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम।